अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं दम कबाब, वो भी ज़रा डिफरेंट स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाल सब्सक्राइब पर क्लिक करें और डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दम कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेना। कबाब की रेसिपी का लिंक मैं आपको ऊपर देती हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कबाबों को दोनों साइड से 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेना। एक फ्राई पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे सौते करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भुनेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास हल्दी फ्राई का नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप उसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी जो कि 2 कप के बराबर है। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। दो से तीन मिनट हमने इसे फ्राई किया है। अब हम इसमें अपने कबाब सजाएंगे। ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम कबाबों को पलट देंगे और इसे ढक के मजीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट बाद आंच तेज करके इसका पानी खुश्क करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाए और देख ऊपर आ जाए तो इसका मतलब कि आपके दम कबाब तैयार है और अब आपको उसे डिशआउट करना है। तैयार है, आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं। नान की रेसिपी का लिंक मैं आपको ऊपर देती हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो थम्स अप दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।